हेलो दोस्तों, मैं मनोहर खान, आप देख रहे हैं एमके टेक्निकल। दोस्तों आज हम आपको ये केडी का एसीडीसी का बल्ब बना करके दिखाने वाले हैं। वीडियो में बने रहें, पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये बल्ब बनाना थोड़ा डिफरेंट है, तो आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। पहले ये B22 सोल्ड करिए, पंच करिए। ये B22 इसमें पंच कर रहे हैं हम। इसमें ये देखिए B22 बहुत ही सफाई के साथ में, इतनी बढ़िया फिनिशिंग है इस B22 की। निकल में बहुत हैवी B22 है, रिपीट वाला, समझे जी, रिपीट वाला। तो दोस्तों ये तो हो गया रेडी, अब दूसरा प्रोसेस तो करो। ये पूरा बल्ब बना करके आपको दिखाएंगे हम। ये अब ये तार ड्राइवर के लगा दिए जाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। ये देखो ये तार जो है, दोनों तार बढ़ाए जा रहे हैं और ये पीछे की साइड में दोनों तार निकल गए हैं। अब इसी के साथ ये रिपीट लगा दी जाएंगी। ये देखो, ये आप देख सकते हो, इसी के साथ ये रिपीट लगा दी गई। थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत हमें और लगाना चाहिए, तो इसे किसी चीज से ठोक सकते हो ऐसे। बस ये हो गया एकदम परफेक्ट, अब कोई जरूरत नहीं, ये लग गया। अब हम इस ड्राइवर को इसमें फिट करेंगे, तो उससे पहले हम बैटरी फिट कर देते हैं। ये देखिए बैटरी इसके अंदर एकदम इजीली आ जाती है, बिल्कुल फिट, क्योंकि इसकी जो जगह है इसमें ऐसी बनाई गई है। अब ये ड्राइवर जो एकदम हम इसमें फिट कर देंगे, और ये ड्राइवर अपने नखे की जगह बैठ जाएगा। इसकी जगह पहले हम ये कनेक्टर लगा देते हैं इसमें। ये लग गया, अब इसको हम नीचे को बैठा देंगे इसे, और वायर ऊपर को कर देंगे। ये ड्राइवर नीचे बैठ गया बिल्कुल बैटरी के ऊपर, क्योंकि इसमें नखे हैं। और देखो ये अब आ नहीं सकता, चाहे आप इसे ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये नखों पे बैठ गया ड्राइवर, बिल्कुल फिट अपनी जगह बैठ गया। ये देख सकते हो आप, अंदर जो नखे दिख रहे हैं आपको ड्राइवर, ये तीन चार चार टांग सी ये नखे हैं। ये ड्राइवर इसमें बैठ गया अपनी जगह। अब इसके ऊपर हम इसको रखेंगे प्लेट को। ये देखिए ये इसके ऊपर फिट हो गई, और ठीक है ये इसके ऊपर फिट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसके ऊपर लगानी है हीट सिंक को। ये हीट सिंक हम इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और हीट सिंक छोड़ो, हीट सिंक ये पीसीबी और हीट सिंक एक साथ हम जोड़ देंगे इन्हें। इसमें पेच लगाइए पीसीबी में। चलो दोस्तों एक और लगाओ, एक पेच लगा दिया है इसमें, दूसरा लगाओ। ये दूसरा पेच लगा रहे हैं इसमें हीट सिंक में, पेच ऐसा लगाना जो बाहर को ना निकले, तो ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर खींचो। ये देखो दोस्तों ये हीट सिंक इस पीसीबी में लग गई है। अब इस हीट पीसीबी को हीट सिंक के साथ अंदर रखेंगे, और फिर इसके कनेक्शन करेंगे। ये देखिए इसके अंदर रख देंगे ऐसे, और ये भी अपनी जगह बैठ गई, देख सकते हो आप। अब ये इसे आप चाहे उल्टा कर लो, ये देख सकते हो आप, मैं आपके सामने उल्टा कर रहा हूँ इसे, क्यों हिला रहा हूँ, ये अपनी जगह बैठ गई, अब ये कहीं नहीं जा रही। तो अब इसमें हम वायर लगा देंगे, जिसमें हमारा माइनस वाला वाइट वाला तार है,
एक बार हम दूसरे ड्राइवर में चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल हम सही बता रहे थे, व्हाइट वाला माइनस तार है, माइनस में लगाइए, बीच वाले में व्हाइट वाला लगाइए। ये हमारा सिलिकॉन, ये सॉरी वो है, ये लिक्विड पेस्ट जो होता है वो हमने इसमें लगाया। तो इसमें जो लिखा हुआ है B+VE, तो इसमें रेड कलर का तार लगेगा, क्योंकि ऐसे ही ड्राइवर पे लिखा हुआ है, जो ड्राइवर पे लिखा है वही PCB पे ऐसे ही देख के लगा दो इसमें, तो रेड वाला लगेगा इसमें +VE में, पहले वाले पॉइंट में। व्हाइट वाला बीच में, और ब्लैक वाला इधर लगेगा ग्राउंड में। सही से अच्छे से सोल्डर करो। बस ये कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों, अब ये आप जला करके दिखाइए बैटरी पे। पहले ये देखिए दोस्तों, बैटरी पे सबसे मेन चीज है, इसमें सारी LED जल रही हैं, इसमें सारी LED जल रही हैं DC पे, थोड़ी बहुत छोड़ के। ये देखिए इसमें DC पे LED जलती हैं 7, 8, 8 और 12, 20 LED DC पे जल रही हैं इसमें। तो अभी बैटरी हमारी डाउन है, जब आपको ये रोशनी ऐसी दिख रही है, अब हम ये ही AC पे जला करके दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों कितनी जबरदस्त रोशनी है इसकी, ये आप देख सकते हो। अब इसे हम चार्जिंग पे लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आपको फिर जला करके दिखाएंगे DC पर, क्योंकि बैटरी अभी डाउन है तो आपको पता लगेगा रोशनी इसकी कैसी है। और दोस्तों ये हमारा KD का ये मटेरियल है, ये किसी का निकाला हुआ है 100 पीस का, ये किसी का जाएगा, KD का मटेरियल ये निकाला हुआ है। और बाकी दोस्तों किसी भी आइटम की जरूरत है आप ऑर्डर कर सकते हो। मुझे लगता है बैटरी चार्ज होने में काफी टाइम लगेगा, बाकी एक बार जला के लेके आना जरा, वही दूसरी बैटरी लगाने में खोलने में टाइम लग जाएगा। है ये भी उठा के रखो दोस्तों, ये चार्जिंग पे हमारा लगा हुआ है बल्ब ये, और चार्जिंग होने में वक्त तो लगेगा ही, और रात काफ़ी हो गई है, लड़के को जाना है मेरे को, जो मेरे पास काम करता है लड़का। तो ये हम आपको किसी और वीडियो में इसकी DC पे बल्ब जला करके दिखाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर उसी अगली वीडियो में, जब हम ये आपको जला करके दिखाएंगे। बाकी हमारे पास बहुत आइटम आप लोगों के लिए मिलेगा ही, अल्फा वगैरह में, ये सब हमारे करेटों में माल ही भरा हुआ है। हाई वोल्टेज में बड़े बड़े हाउसिंग है, जैसा भी आप लेना चाहो सब तरह का हमारे पास अवेलेबल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।